नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ही रोम वाले तुम से एक पुरअमन सुलह करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे और बहुत सा माल गनीमत हाथ आएगा और तुम लोग सलामती के साथ जंग से लौटोगे, यहाँ तक कि तुम एक तरोताज़ा और सरसब्ज मुकाम पर जहाँ टीले वगैरह होंगे उतरोगे। अच्छा अवैस भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर यानी आखरो जमा की हदीस पाक का किया जाए, यानी उन पर उनको स्टडी किया जाए, तो हमें कुछ ये रवायात मिलती हैं कि आखिरी ज़माने में हमारी यानी रूमियों के साथ मुसलमानों की सुलह होगी और फिर वो इकट्ठे जंग करेंगे और फिर उनका यानी वो रूमी जो होंगे वो मैदशिकनी करेंगे, तो फिर उनकी आपस में जंग होगी दोबारा मुसलमानों की और रूमियों की इस तरह। तो अभी फ़िलहाल तो देखा जाए तो इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, जैसे यानी कि अमेरिका के मामलात हैं या इस तरह के हालात देखे जाए हमारे खित्ते के, तो ये बिल्कुल ही अपोज़िट जा रहा है बिल्कुल। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि ये सुलह हो और फिर इस तरह के मामलात आगे जाएं? देखें तौसीफ़, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि मेरी समझ के मुताबिक जो भी मैंने स्टडी की है, ये जितनी अलामत बताई गई हैं ना क़यामत की, ये सारी पूरी हो चुकी हैं। ये जो लोग वेट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों के होने का, मेरे ख्याल में वल्लाहु आलम, मेरे ख्याल में वो अब वेट का टाइम नहीं है, ये सब हो चुका है। अगर आप ख़ुद थोड़ा सा गौर करें तो आपको ख़ुद नज़र आ जाएगा कि ये वाला वाकया भी हो चुका है, ये भी होना नहीं है, मेरी समझ के मुताबिक ही हो चुका है। मैं आपको पूरी हदीस पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि हम समझें कि ये कब और कैसे हुआ है। ये हदीस से पाक है, ये इब्ने माजा की हदीस नंबर है 4089, 4089। ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ही रूम वाले तुम से एक पुरअमन सुलह करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे और बहुत सा माल गनीमत हाथ आएगा और तुम लोग सलामती के साथ जंग से लौटोगे, यहाँ तक कि तुम एक तरोताज़ा और सरसब्ज मुकाम पर जहाँ टीले वगैरह होंगे उतरोगे, वहाँ सलीब वालों यानी रूमियों में से एक शख्स सलीब बुलंद करेगा और कहेगा कि सलीब गालिब आ गई। मुसलमानों में से एक शख्स गुस्से में आएगा और उसके पास जाकर सलीब तोड़ देगा। इस वक्त रूमी अहद तोड़ देंगे और सब जंग के लिए जमा हो जाएंगे। ये मामला अगर आप देखें तो हमें नज़र आता है कि जब दुनिया में एक बहुत बड़ी एंटी रिलीजन फोर्स पैदा हो चुकी थी, जो नऊज़ु बिल्लाह ना सिर्फ खुदा के इनकारी थे बल्कि तमाम रिलीजन्स के भी इनकारी थे, और उनका नारा था कि नऊज़ु बिल्लाह खुदा को इस दुनिया के निज़ाम से निकाल दो, अल्लाह ताला माफ़ करे, और उनका कहना यह था कि तमाम इंसानों को डिसिप्लिन और बराबरी पर लेकर आओ, किसी बंदे को किसी की ज़ाती कोई जागीर ना हो, कोई ज़ाती माल ना हो, कारोबार ना हो, हर बंदा बराबर रहेगा और तमाम के तमाम काम और कारोबार हुकूमत के हवाले कर दिए जाओ और तमाम लोग चाहे वो प्रेसिडेंट, सदर और हुक्मरान हो, चाहे मजदूर हो, सबको बराबर का वजीफ़ा दिया जाए और बराबर का राशन दिया जाए और राशन कार्ड्स और ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू की थी। लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा इसकी मुखालफत करने वाले भी थे कि जो साहिब इक्तदार थे वो तो मज़े करते थे, मज़े लूटते थे और उनको हर किस्म का तायुश अवेलेबल था और मज़दूर तबके को वो चंद कोड़ियों के ऊपर टरखाते थे और इस तरह पूरी दुनिया का निज़ाम के ऊपर उन्होंने अफेक्ट करने की कोशिश की और अपना भी वो जो डिसिप्लिन चला रहे थे उसको भी वो मेनटेन नहीं कर सके, क्योंकि जब हर बंदे को एक फ़िक्स राशन मिल जाएगा तो काम कौन करेगा, और जब हर कारोबारी को भी हर एक को भी वही राशन मिलना है तो उसको कारोबार चलाने की क्या ज़रूरत है। तो वो सारा सिस्टम उनका एक बिल्कुल झूठ के ऊपर और दगे और फरेब के ऊपर मबनी था, जो कि फिर बाद में कोलैप्स भी हुआ। उस दजल के ख़िलाफ़,
उस जुल्म और उस सिस्टम के खिलाफ, आपको याद होगा कि रूमियों ने मुसलमानों के साथ इत्तेहाद किया था और तमाम रूमियों ने मुसलमानों की सपोर्ट की थी, और फिर उस फितने का कला कमा कर दिया गया, खात्मा कर दिया गया, और जिस तरह इस हदीस में हम देखते हैं कि फतह याब हुए, और अब वो फितना दुनिया में मौजूद ही नहीं है, कोई लोग उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, उसके साथ एसोसिएट भी नहीं करते। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उन रोमियों ने अमन का मुआहदा तोड़ दिया, उन्होंने उस फतह और शिकस्त का क्रेडिट, फतह का क्रेडिट खुद लेना शुरू कर दिया, और इवेंचुअली उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया उन्हीं मुसलमानों के ऊपर जिन्होंने उनकी सपोर्ट की थी, और उनके साथ जंग कर दी, और फिर वो अपने सारे लश्कर लेकर मुसलमानों के ऊपर टूट पड़े, जमा हुए। फिर इसकी आगे मज़ीद तफसील फिर अभी हमने रिसेंटली देखा है कि उनको दोबारा फिर शिकस्त भी हुई, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी। आप समझ रहे हैं पूरी सिचुएशन, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो जो फितना उठा था इल्हाद का, कुफर का, एंटायर रिलीजन था, वो USSR और ये जो नेशनलिज्म कम्युनिज्म का फितना था उसकी बात कर रहा हूँ, और उसके खिलाफ तमाम ये जो रूमी कह लें वेस्टर्न लोग, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में वेस्ट कह देते हैं, आप ये रूमी को इस हदीस में जो रूमी इस्तेमाल हुआ है इसको आप सिंबॉलिक ले सकते हैं कि ये आइदर नेटो हो, US हो, और जितनी भी इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उन्होंने मुसलमानों यानी पाकिस्तान की क़ियादत में मुसलमानों की सपोर्ट की थी। उसमें खाली पाकिस्तानी नहीं थे, उसमें अरब से मुजाहिदीन आए थे, उसमें पाकिस्तानी मुजाहिदीन शामिल थे, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी शामिल थी, उसमें पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो शामिल हुए थे उस फितने के ख़िलाफ़, और अल्लाह ने फिर मुसलमानों को फतह दी रूमियों के इत्तेहाद में। और जब फतह हासिल हो गई रूमियों को, और वहाँ पर मुसलमान ज़ाहिर मुसलमान लीड पे थे, तो जब मुसलमानों की हुकूमत कायम होने लगी, उन्हें पावर मिलने लगी, तो उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया, और एक यानी वो जो उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में के वाले जो मामले पे इल्ज़ाम लगाया मुसलमानों के ऊपर, वो यही मामला था कि उन्होंने एक तरह से स्लीप बुलंद की, अपनी एम्पावरमेंट शुरू की, लेकिन मुसलमानों ने उसको उनकी जो सुपेरियॉरिटी है उसको मानने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने वो जो नारा लगाया था उसको यानी मुसलमानों ने बिल्कुल डिफाई किया, यानी एक तरह से स्लीप को तोड़ दिया। तो फिर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए सारे जमा हो गए। आपको पता है फिर नेटो हो या US हो या जितनी भी फोर्सेज हों, वो सारी की सारी फिर मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ी, और फिर मुसलमानों के अंदर भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई, जो इत्तफाक था वो भी उस तरह से नहीं रहा, और एक अरसे तक मुसलमानों ने फिर उसी एरिया के अंदर तकलीफ़ उठाई। लेकिन ये है कि इवेंचुअली अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को दोबारा फतह दे दी। मेरी समझ के मुताबिक ये हदीस इस मामले के ऊपर यानी इस मामले को डिटेल करती है। वल्लाहु आलम।